है ना। यहाँ तक तो देखकर हमको यही चीज समझ में आ रही, लेकिन जब हम मैं इसके आगे बात करता हूँ, लेकिन जब मैं इसके आगे बात करता हूँ तो चीजें किस प्रकार की देखने को मिलती है ना, उसको देखते हैं। आरआरबी के केस में आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, वो ओनरशिप है उसकी यहाँ पे। अब क्या हुआ, 1982 श्री रमन कमेटी, के रिकमेंडेशन के बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश किया जाता है जिसका नाम है नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राइट, तो जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इसका अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आपको इसका काम पता चल जाएगा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये एक ऐसा बैंक है जो करेगा क्या, जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। राइट, अब यहाँ पर इसका जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1982 में, तब ये 50:50 से इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% ऑनरशिप और आरबीआई का 50% ओनरशिप। राइट, करंट की सिचुएशन ये बनी कि करंट में 99.6% की ओनरशिप जो है वो किसके पास में आ गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, और आरबीआई के पास में 0.40% है। बात समझ में आ रही, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नाबार्ड पर जो चीजें होंगी, जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो किसके आधार पर होगा, वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार। राइट, अब ये जो नाबार्ड है उसको अगर मैं बैंक बोलने की बजाय रीफाइनेंस एजेंसी अगर मैं बोलता हूँ, ठीक, नाबार्ड को अगर मैं बैंक बोलने की बजाय मैं रीफाइनेंस एजेंसी बोलता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा क्यों ज्यादा सही होगा, क्योंकि ये फाइनेंस करने वाले इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस करता, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी एजेंसी है जो क्या कर रही है, जो अर्बन एरिया सॉरी जो एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज में जो भी इंस्टीट्यूशन फंडिंग करते हैं उन इंस्टीट्यूशन को ये फंडिंग करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इंडिविजुअल को फंडिंग नहीं कर रहा है, ये किसको कर रहा है, ये इंस्टीट्यूशन को फंडिंग कर रहा है, और ऐसे इंस्टीट्यूशन को फंडिंग कर रहा है जो आगे इंडिविजुअल को फंडिंग कर रहा है, इसलिए इसको रीफाइनेंस एजेंसी के नाम पर बोला जाता है। राइट, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, मुंबई में है, और सभी स्टेट के कैपिटल में, सभी स्टेट के कैपिटल में इसका जोनल ऑफिस बनाया गया, सभी स्टेट के कैपिटल में इसका जोनल ऑफिस जो है वो बनाया गया। राइट, तो यहाँ इतनी चीजें समझ में आ गई। अब मैं बताना क्या चाह रहा था कि जैसे आरआरबी 1972 में स्टेब्लिश, सॉरी आरआरबी 1975 में स्टेब्लिश हुआ, नाबार्ड जो है वो 1982 में स्टेब्लिश हुआ, 1975 में 50% की ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में थी, इट मींस कि आरआरबी पर रेगुलेशन किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। राइट, अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही 1982 में आरआरबी बना, वैसे ही जैसे 1982 में नाबार्ड बना, वैसे ही आरआरबी को उठाकर किसके अंडर में डाल दिया गया, नाबार्ड के। 1982 से ना आरआरबी का रेगुलेशन कौन कर रहा है, नाबार्ड कर रहा है। राइट, 1982 से आरआरबी का रेगुलेशन कौन कर रहा है, नाबार्ड कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखो कि नाबार्ड पर, यहाँ पर आप देखो कि नाबार्ड पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन या ओनरशिप किसकी, 99.6% की किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। राइट, तो नाबार्ड में ये जो 99.6% की ओनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इट मींस कि नाबार्ड में सारा रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का,
यहाँ से आरआरबी से, आरआरबी में रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, उठाकर नाबार्ड में डाला, नाबार्ड में रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इट मीन्स कि आज भी आरआरबी पर रेगुलेशन जो है वो किसका देखने को मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से बैंक्स जो है वो इस्टेब्लिश किए गए और किस तरीके से चीजें जो है वो काम करती। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला जो टर्म आता है वो है एनबीएफसी। ठीक है, इसी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, ये एनबीएफसी जो है वो है क्या? देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको शेडो बैंक बोलते हैं। नाम याद रखेंगे, कभी कभी ये पूछता है। इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है, इसको शेडो बैंक भी बोला जाता है ना। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर एनबीएफसी होते क्या है? तो एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो आपको वर्किंग उसकी बैंक के जैसे लगेगी, बैंक के जैसे ही काम करेंगे, लेकिन वो पूरी तरीके से बैंक नहीं होते। क्यों? क्योंकि बैंक होने के लिए मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया है कि आपको तीन चीजों को फुलफिल करना पड़ेगा। किन तीन चीजों को? आप डिपॉजिट करोगे, और डिपॉजिट में आप डिमांड डिपॉजिट करोगे और टर्म डिपॉजिट भी करोगे, और साथ ही साथ आप क्या करोगे, डिपॉजिट के साथ साथ आप करोगे फाइनेंस। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन एनबीएफसी में चीजें जो है वो किस प्रकार से, कि कुछ कुछ एनबीएफसी जो है वो या तो सिर्फ फाइनेंस कर रहे हैं, और कुछ कुछ एनबीएफसी जो है वो डिपॉजिट और फाइनेंस दोनों कर रहे हैं, लेकिन डिपॉजिट में सिर्फ और सिर्फ वो टर्म डिपॉजिट कर रहे हैं। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर एनबीएफसी क्या बोल रहे हैं कि ये देखने में इसकी वर्किंग वगैरह सब कुछ आपको बैंक के जैसे लगेगा, लेकिन ये पूरी तरीके से बैंक नहीं होंगे, इसलिए इनको अलग नाम दिया, बोला क्या एनबीएफसी या फाइनेंशियल बैंक। अब क्योंकि ये बैंक के जैसे हैं इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं शेडो बैंक। राइट, इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं शेडो बैंक। तो आखिर ये होते क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं, एक एक करके हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको दो टाइप के देखने को मिलेंगे, जो एनबीएफसी है ना वो आपको दो टाइप का देखने को मिलेंगे। कैसे दो टाइप? तो एक मिलेगा आपको नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, है ना, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। दो चीजें आपके सामने हैं, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो ये जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है और ये जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, आपकी इस प्रकार के हैं। तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का मतलब कि जैसे मान लो कि बैंक का बिजनेस कैसे चलेगा, एक या तो वो खुद डिपॉजिट ले और दूसरा वो जो अगर फाइनेंस कर रही है तो उसको इंटरेस्ट मिले। राइट, यही चीजें होंगी, इस तरीके की व्यवस्था होगी तब ये काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होंगे ना वो क्या करेंगे, वो डिपॉजिट नहीं लेंगे, वो सिर्फ क्या करेंगे, वो करेंगे फाइनेंस। ठीक, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ ऋण प्रदान करेंगे। अब ये जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है ना, ये जो जमा राशि प्राप्त ना करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है जो ये फाइनेंस कर रहे हैं, है ना, वो 100 करोड़ के, इनके स्टार्ट करने में मिनिमम 100 करोड़ के कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, स्टार्ट करने में कैपिटल कितना लगेगा, मिनिमम 100 करोड़ रुपए। अब ये क्योंकि फाइनेंस कर रहे हैं सर, है ना, फाइनेंस कर रहे हैं, डिपॉजिट कर ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। लेकिन जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होंगे वो दोनों काम करेंगे, वो डिपॉजिट भी लेंगे और साथ ही साथ वो फाइनेंस भी करेंगे। ठीक है, वो डिपॉजिट भी लेंगे और वो फाइनेंस भी करेंगे। अब ये जो डिपॉजिट ले रहे हैं, ये डिपॉजिट में कैसा, तो मैंने आपको बताया कि या तो डिमांड होगा या तो टर्म होगा। तो ये सिर्फ किस प्रकार का डिपॉजिट लेंगे, ये लेंगे सिर्फ और सिर्फ टर्म डिपॉजिट। अब टर्म डिपॉजिट है
तो पीपीएफ, एफडी, आरडी, है ना, इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। और फाइनेंस तो ये कर ही रहे हैं, इनके स्टार्ट करने के लिए इनको 200 करोड़ के कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अपना बिजनेस इस कैपिटल से करेगा और ये अपना बिजनेस यहाँ से तो कर ही रहा है, और साथ ही साथ यहाँ इसको क्या मिल रहा है, डिपॉजिट भी मिल रहा है। अब क्योंकि ये एफडी, आरडी और पीपीएफ के फॉर्म में है, तो ये बात भी क्लियर है कि यहाँ पर किस तरीके की चीजें होंगी, कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद में, आफ्टर मेच्योरिटी पीरियड के बाद में, यहाँ पर कैसी चीजें देखने को मिलेंगी, कि यहाँ रिटर्न के फॉर्म में कस्टमर को इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो दो चीजों के बारे में और जानकारी होनी चाहिए, एक तो इंटरेस्ट की और दूसरा टर्म, मतलब टाइम की, कि आखिर ये कब मेच्योर होगा। बस समझ में आ रही है, तो किस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये मेच्योर कब होगा। तो मेच्योर कब होगा, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसके लिए कुछ रूल बना दिया गया। क्या रूल बोला, तो टाइम में ये बोला कि मिनिमम 12 मंथ और मैक्सिमम 60 मंथ, राइट। कम से कम 1 साल की मेच्योरिटी वाले पीरियड में ये अकाउंट जो है वो काम करेंगे, और मैक्सिमम जो है वो 5 साल के मेच्योरिटी पीरियड पर काम करेंगे। और इंटरेस्ट कितना देना होगा, कम से कम 3.5% मिनिमम और मैक्सिमम 12.5% के रेट से। समझ में आ रही है, तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि एनबीएफसी जो है, जो बैंक के जैसे काम कर रहे हैं लेकिन बैंक नहीं है, उनको हम बोल देते हैं क्या, शेडो बैंक, ठीक है। अब ये जो शेडो बैंक है, यहाँ पर किस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, कि दो टाइप के होंगे, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये कंपनी है ना, तो ये इस प्रकार के होंगे कि इनको 100 करोड़ के कैपिटल से स्टार्ट किया जाएगा। दूसरा, ये डिपॉजिट नहीं लेंगे, तो सिर्फ फाइनेंस करने का ये काम करेंगे, राइट। और दूसरा आएगा डिपॉजिट टेकिंग, तो ये डिपॉजिट भी लेगा और फाइनेंस भी करेगा, ठीक है। अब ये अगर फाइनेंस कर रहा है, तो यहाँ पर किस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, तो फाइनेंस कर रहे हैं तो ये देखने को मिलेगा कि इंटरेस्ट का 3.5% और 12.5% से ज्यादा नहीं होगा, और टाइम जो है वो 12 महीने से 60 महीने से ज्यादा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से, क्योंकि तो इनका काम जो है वो बैंक के जैसा ही है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, शैडो बैंक बोल देते हैं, राइट। तो ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई हैं। बैंकिंग में अगला जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है एनपीए, लगातार आप सुन रहे हो, है ना, और बैंक का एनपीए जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आखिर ये होता क्या है, किस तरीके से ये बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, है ना। हिंदी में अगर मैं बोलूं, तो हिंदी में इसको बोलते हैं गैर बैंकिंग हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं गैर निष्पादनकारी संपत्ति। संपत्ति या कहीं कहीं पर आपको परिसंपत्ति भी लिखा हुआ मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर क्या देखने को मिला, कि एक बैंक है, उस बैंक ने क्या किया, लोन प्रोवाइड किया, है ना, उसने क्या किया, फाइनेंस किया। अब जब फाइनेंस किया, तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद में कैसी सिचुएशन बनती है, कि बैंक को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन सामने वाला जो इंस्टीट्यूशन है या जो व्यक्ति है, उसने 90 डेज तक किसी भी प्रकार से, 90 डेज तक नो इंटरेस्ट नो प्रिंसिपल, ना 90 डेज तक किसी प्रकार से ना ही ब्याज दिया और ना ही मूलधन की वसूली करवाई। तो अगर बैंक के द्वारा किया गया जो फाइनेंस है, वो 90 दिनों तक उसकी किसी भी प्रकार से कोई भी रिकवरी नहीं हो पाती है, तो बैंक ये मानने लगता है कि अब ये पैसा हमारा क्या हो रहा है, अब ये हमारा पैसा जो है वो डूब रहा है, राइट। अब जब पैसा डूब रहा है, तो उस पैसे को क्या बोलते हैं, तो उसको नाम दे देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या वहां उसको बोल देते हैं गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, वो है 90 डेज के लिए। और अगर यही चीज आप देखोगे एनबीएफसी के टर्म में, तो इसका टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाता है,
180 डेज। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर चीजें जो है वो इस प्रकार से। अब यहाँ पर एनपीए की जब आप बात करते हो ना, तो एनपीए में तीन कैटेगरी देखने को मिलती, ठीक है? तीन कैटेगरी क्या क्या? तो अगर मान लीजिए कि 90 डेज से लेकर और 12 मंथ तक, है ना, 90 डेज से लेकर और 12 मंथ तक किसी भी प्रकार की रिकवरी नहीं हुई, तो वहां नाम रहता है इस एनपीए का सब स्टैंडर्ड। वहां नाम रहता है इसका सब स्टैंडर्ड एसेट्स, है ना। सब स्टैंडर्ड एसेट हिंदी में इसको बोलते हैं अवमानक परिसंपत्ति। तो क्या बोलते हैं? अवमानक परिसंपत्ति। अगर मान लीजिए कि ये 12 मंथ से लेके और 3 ईयर तक किसी भी प्रकार से चीजें की रिकवरी नहीं होती, तो इसको बोलते हैं डाउटफुल एसेट, इसको बोलते हैं संदिग्ध परिसंपत्ति। है ना? और 3 साल से ऊपर भी अगर इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, मान लीजिए कि अब 3 साल हो गए और किसी प्रकार से कोई भी रिटर्न नहीं मिला है, तो उसको बोल देते हैं लॉस एसेट, जिसको बोलते हैं हिंदी में डूबी हुई परिसंपत्ति। अब यहाँ पर 3 प्रकार के आपको एनपीए की कैटेगरी जो है वो देखने को मिल रही है। आखिर इसमें अंतर क्या है? यहाँ पर जब आप देखते हो, ये टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर, आपको एक चीज अगर हम बताएं तो टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर यहाँ किस तरीके की चीजें मिलेंगी कि 90 डेज तक अगर किसी प्रकार की कोई भी रिकवरी नहीं हुई, ना ही इंटरेस्ट ना ही प्रिंसिपल, तब तो वो बैंक का जो पैसा होगा वो एनपीए की कैटेगरी में चला जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब जब टाइम ड्यूरेशन थोड़ा और बढ़ता है, ठीक है, कितना बढ़ता है, तो 90 डेज से लेकर 12 मंथ तक होता है, तो उसको बोल देते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। अब सब स्टैंडर्ड एसेट या अवमानक परिसंपत्ति का मतलब क्या होता है कि जहां पर बैंक को ये पता है कि हमारे द्वारा जो भी फाइनेंस किया गया है वो फाइनेंस, अब पैसा हमारा क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, डूब रहा है, वो किसी प्रकार से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वहां पर बैंक जो है उसको लगता है कि पैसा डूबना चालू हुआ है, तो उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड। 12 मंथ से लेकर 3 साल तक अगर चीजें देखने को मिलती है तो डाउटफुल, जहां बैंक को लगता है कि रिकवरी हो जाएगी या नहीं भी हो सकती, एक डाउट की कंडीशन बनती है, तो बोलता है कि डाउटफुल एसेट है। और अगर 3 साल से ऊपर इस प्रकार के एसेट देखने को मिले बैंक को, तो बैंक उसको मान लेता है कि अब ये पैसा हमारा डूब गया है, और उसको किस कैटेगरी में रख देता है, लॉस एसेट की कैटेगरी में, राइट। तो यहाँ पर चीजें क्या होती है कि जैसे जैसे बैंक का एनपीए बढ़ता है, इट मीन्स कि बैंक जो भी फाइनेंस की है उसके पैसा ज्यादातर डूब रहा है, राइट। तो बैंक का एनपीए का मतलब होता है बैंक के द्वारा जो भी फाइनेंस किया गया है उस फाइनेंस का रिटर्न न मिलना, है ना। तो वहां पर क्या बोल दिया जाता है कि ये बैंक के एनपीए हैं। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि बैंक के एनपीए में लगातार इंक्रीमेंट होगा, तो बैंक की बैलेंस शीट पर कैसे असर पड़ेगा, है ना। बैंक की जो बैलेंस शीट होगी, बैंक की जो बैलेंस शीट होगी उस पर कैसा असर पड़ेगा, तो उस पर जैसे मान लीजिए कि प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें, तो जब एनपीए बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा ना, तो यहाँ पर लॉस जो है वो बहुत ज्यादा दिखेगा, राइट। तो होता क्या है कभी कभी कि जब बैंकों के एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब बैंकों के एनपीए किस कंडीशन पर, किस कैटेगरी में चले जाते हैं, वो चले जाते हैं लॉस एसेट की कैटेगरी में, तो वो क्या करते हैं ना, वो सिर्फ बैलेंस शीट में लॉस 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 कंटिन्यू कैरी आउट होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस प्रकार की चीजें होती है, तो फिर बैंक क्या करता है, एक लंबे समय के बाद में आरबीआई से परमिशन लेकर क्या करेगा, आरबीआई से परमिशन लेकर और इस लॉस एसेट वाली कंडीशन को अपने बैलेंस शीट से हटा देगा। बैलेंस शीट से हटाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी रिकवरी का आप कोशिश ही नहीं करेगा, रिकवरी की कोशिश जारी रहेगी लेकिन बैलेंस शीट में नहीं रहेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 100 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ और पिछला लॉस जो है वो 0 दिख रहा है, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 100 रुपीज का ही दिखेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस कंडीशन को, जहां पर लॉस एसेट वाले अमाउंट को बैलेंस शीट से हटा दिया जाए आरबीआई की परमिशन से, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिटर्न ऑफ लोन। बात समझ में आ रही है? इस कंडीशन
बोला जाता है रिटर्न ऑफ लोन। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ आरबीआई, यहाँ जो एनपीए होता है बैंकों का, वो क्या होता है, जब लॉस एसेट की कैटेगरी में चला जाएगा तो वहाँ पर आरबीआई सी परमिशन से बैंक अपने बैलेंस शीट से उसको रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। उसको रिटर्न ऑफ इन द सेंस, यहाँ पर याद रखिए कि रिटर्न इन द सेंस WRITTENOFF है ना, RE वाला रिटर्न नहीं है, ठीक है? तो रिटर्न ऑफ लोन ये प्रोसेस कहलाती है। क्लियर? इसको आप क्या बोलते हैं, आप किस नाम से जानते हैं, आप जानते हैं कि ये एनपीए है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला जो टर्म है वो है एआरसी, है ना? एआरसी क्या है, इसको बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है, ये बैंक के एनपीए को, है ना, ये क्या करती है, ये बैंक के एनपीए को परचेस करती है, ये बैंक के एनपीए को खरीदती है। अब इन्होंने क्या किया, ये बैंक के एनपीए को खरीदा ना, तो यहाँ बैंक का एनपीए कितना है, जैसे मान लीजिए 100 रुपीज का, तो एआरसी क्या करती है, एआरसी उसको सस्ते रेट पर खरीद लेंगी, मान लीजिए कि 80 रुपीज, है ना? अब ये 80 रुपीज पे खरीदेंगे तो इससे क्या होगा कि बैंक को जो 100 रुपीज का एनपीए था, जो 100 रुपीज का नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, उसके लिए उसको 80 रुपीज की रिकवरी हो गई है। अब इसका लॉस कितना बचा, उसे 20 रुपीज। बैंक को भी लगता है कि चलो ठीक है, जहाँ 100 रुपीज डूब रहे थे अब सिर्फ 20 रुपए डूब रहे हैं, बिल्कुल हम इसको 80 रुपीज में क्या कर देते, सेल कर देते। तो बोलेगे सर ये एआरसी को अब क्या फायदा होगा जो 80 रुपीज में इन्होंने परचेस किया, तो ये एआरसी क्या करेगी, इस 80 रुपीज में खरीदेगा एनपीए को, जब ये एनपीए को परचेस करेगी तो ये अपने वेल ट्रेंड एम्प्लॉय से, है ना, जो रिकवरी करने में माहिर होंगे, उनसे वो क्या करेगी, बोलेगी कि जाओ मार्केट में जिसका भी ये पैसा है, जिसके कारण बैंक को एनपीए हुआ है, उसकी रिकवरी करो। अब उसकी जब रिकवरी होगी तो रिकवरी कितनी होगी, उसकी वैल्यू तो 100 रुपीज थी, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है, 100 रुपीज की वैल्यू आ रही है, राइट? तो जब 100 रुपीज की वैल्यू आ रही है तो वहां पर किस प्रकार की चीजें दिखेंगी, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 80 रुपीज में परचेजिंग हुई, 100 रुपीज में यहाँ रिकवरी हो रही है, 20 रुपीज का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको आप क्या बोल देते हो, इसको आप बोलते हो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसी को एक और नाम से आप जानते हो, इसको आप बोलते हो बैड बैंक, है ना? इसको आप किस नाम से जानते हो, इसको आप बोलते हो बैड बैंक। ये जो बैड बैंक है ये क्या करेगा, ये बैंक के एनपीए को सस्ते रेट पर खरीदेगा और उस एनपीए को मार्केट से रिकवरी की कोशिश करेगा, है ना? कोशिश कैसे, तो कोशिश फोर्सफुली भी हो सकती है, इसलिए ये नाम जाना जाता है कि क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं बैड बैंक, राइट? तो ये जो बैड बैंक है, ये बैड बैंक बैंक की कंडीशन में डी स्ट्रेसिंग करता है ना, बैंक के तनाव को कम करता है। बस समझ में आ रही? तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से दिख रही हैं कि बैंक का जो एनपीए है, जो लगातार इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण से बैंक जो है वो स्ट्रेस की कंडीशन में जा रहे हैं। तो जब स्ट्रेस की कंडीशन में जा रहे हैं तो उनके एनपीए को खरीदने के लिए एआरसी काम कर रहा है, ठीक है? एआरसी मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब इसके काम के कारण इसको नाम दे दिया गया है बैड बैंक। और ये बैड बैंक क्या करेंगे, ये बैंकिंग सेक्टर में डी स्ट्रेसिंग करेंगे, बैंकों के तनाव को कम करेंगे। कैसे तनाव कम होगा, 100 रुपीज का लॉस है, 20 रुपीज का लॉस बचा, 80 रुपीज की भरपाई यहाँ से हो गई। तो बैंकों का पैसा, बैंकों का तनाव क्या है, बैंकिंग में स्ट्रेस क्या है, बैंकिंग का स्ट्रेस तो यही है ना कि बैंक जो काम कर रहा है या बैंक जो फाइनेंस कर रहा है, वो फाइनेंस किया गया पैसा जो है वो डूब गया है, तो बैंक का स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो उस स्ट्रेस को कम कैसे करें, उसकी रिकवरी करके, तो एआरसी यही तो कर रहा है। तो इंडिया की पहली एआरसी कंपनी का अगर मैं नाम देखूं तो वो क्या था, तो वो था एसेट रिकंस्ट्रक्शन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो एआरसी का फुल फॉर्म है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया
लिमिटेड, आप याद रखेंगे इंडिया की पहली एआरसी कंपनी का नाम है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि एआरसी जो है वो किस तरीके से काम करता है या किस तरीके की चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं तो एआरसी के बाद में अगर मैं एटीएम की बात करता हूँ, है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन की अगर मैं बात करता हूँ, तो दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है ब्राउन लेबर और एक को बोला जाता है वाइट लेबर, है ना। ब्राउन लेबल एटीएम किसको बोलते हैं? ऐसे एटीएम होते हैं जो बैंक के ही नाम से काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एसबीआई है तो एसबीआई का एटीएम हो गया, जैसे मान लीजिए पीएनबी है तो ये पंजाब नेशनल का एटीएम हो जाएगा, तो ये कहलाएंगे ब्राउन लेबल एटीएम। लेकिन ऐसे एटीएम जो एनबीएफसी के नाम से काम करेंगे, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के नाम से काम करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे वाइट लेबल एटीएम। लाइक अगर मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ टाटा इंडिकैश, हिटैची, है ना, ये जितने भी एटीएम है ये किस प्रकार से कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वाइट। तो बैंक के नाम से काम करने वाले एटीएम ब्राउन लेबल हैं, और एनबीएफसी के नाम से काम करने वाले जो एटीएम है, जो बैंकिंग फैसिलिटी सिर्फ दे रहे हैं, जो एटीएम फैसिलिटी सिर्फ दे रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वाइट लेबल।